पंजाब के कैबिनेट मंत्री सरदार साधु सिंह धर्मसोत का नाम पहली सत्र के उन गिने चुने कांग्रेसी नेताओं में आता है जिनकी अपने वोटरों व समर्थकों पर इतनी मजबूत पकड़ है कि उन्होंने चुनाव के मैदान में कभी हार का मुंह नहीं देखा। साधु सिंह की इस खूबी को उनके विरोधी भी अच्छी तरह से जान चुके हैं। बहुत ही गरीब परिवार से निकलकर साधु सिंह ने सियासत में एक ऐसा चोटी का मुकाम हासिल किया जिसको हासिल करना एक सियासी पृष्ठभूमि वाले नेता के लिए भी कई बार नामुमकिन हो जाता है। फतेहगढ़ साहिब के कस्बा अमलो से अपना सियासी सफर शुरू करने वाले धर्मसोत वर्ष 1980 में पहली बार पंजाब कांग्रेस बाजीगर सेल के जिला अध्यक्ष चुने गए। साधु सिंह ने आतंकवाद के खिलाफ डटकर लड़ाई लड़ी और पार्टी की गतिविधियों को निरंतर और बेखौफ होकर जारी रखा। वर्ष 1992 में कांग्रेस ने उनको अमलो विधानसभा क्षेत्र से टिकट दी और साधु सिंह ने विजय हासिल की। साधु सिंह को खेल तथा युवक सेवाओं का मंत्री बनाया गया। पिछली कैप्टन सरकार में वो संसदीय सचिव रहे। उनकी लोकप्रियता इस हद तक है कि इस बार और इससे पहले वो विधानसभा क्षेत्र नाभा से चुनाव लड़े और जीत गए। पंजाब सरकार में इस बार उन्हें वन, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एससी एंड बीसी वेलफेयर जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए गए। पिछले 10 साल तक जब पंजाब में अकाली भाजपा गठबंधन की सरकार थी तो साधु सिंह ने सरकार की नाकामियों को बड़ी दलेरी और निडरता के साथ उठाया। अकाली सरकार के दौरान बहुत कम कांग्रेसी नेता थे जो सरकारी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते थे और उनमें साधु सिंह का नाम सबसे आगे ही रहा। देश भर में जब भी किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो हाई कमांड साधु सिंह की सेवाएं लेना हरगिज नहीं भूलती। साधु सिंह को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का नजदीकी भी माना जाता है। साधु सिंह कांग्रेस और कैप्टन अमरिंदर सिंह के हर अच्छे और बुरे दौर में उनके साथ चट्टान की तरह खड़े हैं।